स्टेट्स एलआर के अंदर हमेशा मैं देखता हूँ दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है या जिनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिरा हुआ होता है। बीच में एवरेज वाले बच्चे यहाँ पे देखने को कम मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले उनके लिए बात करना चाहूंगा जिनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। तो देखिए, उसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है मैस्टेट्स एलआर को लेकर, तो आप बड़े लिमिटेड चैप्टर्स पर फोकस करिए, जिसमें सबसे पहले आपका होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग। 20 नंबर आपके एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आईसीआई मॉड्यूल आपने कर लिया है, तो इट्स वेरी गुड। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा कोर्स अवेलेबल है, वहां से अपने 20 नंबर को पक्के कर लीजिए। लेकिन हमारे कोर्स से करते हैं तो याद रखिएगा, हर चैप्टर के नीचे 7 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर है और पूरा कोर्स होने के बाद 25 मॉक टेस्ट पेपर जो लगे हुए हैं वो जरूर करने हैं, तभी 20 में से 20 आ पाएंगे। तो ये एलआर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। एलआर का एक भी क्वेश्चन पेपर आपने नहीं छोड़ना, ये चीज मैं आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त। ये 20 नंबर आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। फिर आइए स्टैट्स के ऊपर, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को साइड रख दें, वो बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो सिर्फ अगर इतना भी कर लेते हैं तो 40 में से 30 नंबर स्टैट्स में यहाँ पे आते हैं। तो 20 और 30 50 ही होगा। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेसेस, अगर ये दो चैप्टर कर लेते हैं तो लगभग जो है 15 से 18 नंबर का पेपर यहाँ से। तो ऑल टुगेदर सिर्फ लिमिटेड स्टडीज करके भी आप इसके अंदर 65 से 70 नंबर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। याद रखिए, 100% कोर्स अगर आपने कर लिया और हर चैप्टर आपका 25 से 30% ही तैयार है, या आपके उसमें 25 से 30% नंबर ही आ रहे हैं, तो उससे आपकी कोई भी हेल्प नहीं होने वाली है। फायदा तभी है, आप चाहे 70% कोर्स करिए, बट दैट मस्ट बी 100% कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप पूरा के साथ जाएंगे, हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो पक्का बना के आऊंगा, देखता हूं किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। याद रखिए, मैथ्स स्टेट्स एलआर के अंदर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर जरूर देने हैं हर चैप्टर को करने के बाद, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं।